वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके इस किताब में? बताइए, असली चीज ही उनके पास थी। देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास है और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप पहले देख चुके हैं अच्छी बात है, अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो वाकई में कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको फिर से वो पॉइंट्स नजर आएंगे जो आपने तब छोड़ दिए होंगे। जब अरब में कुरान आया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का ये वीडियो है। इस वीडियो पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, पूरी एंड तक आपको देखनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं। ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आखिरकार मिर्जा जी ने इसमें क्या कुछ खास बताया है। एंड में हम इसके बारे में कुछ बात भी कर सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब अरब में कुरान आया, ये देखिए स्टार्ट हो गई कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। क्लिप ली गई है ये उमर सीरीज से। नंबर वन, चिट्टे अनपढ़, जाहिल, उजड़। अरे हत्ता के इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी मेरे अनपढ़। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। और तुम्हारा, ये दो खामियां थे। नंबर वन, चिट्टे अनपढ़। नंबर दो, लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे, रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे, चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली। ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर, और जहालत के लिए, दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए, वो अरबी जो आपस में लड़ते थे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर। और देखें सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने, विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी, सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस पूरी दुनिया पे घूमते कर रही हैं, जदीद असलाह है, और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट हैं, घोड़े हैं, तलवारें हैं, ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे, बस चल पड़े, कलमा पड़े और निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा कि हर चीज को उलट के रख, उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिए। वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके इस किताब में? बताइए, असली चीज ही उनके पास थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे,
जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे, उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए थी? ये भी बात सही है। जमी साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़नी थी, ये तो उन लोगों के लिए मुसलमान हो चुके हैं। बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते? उनको फिर असले के जोर पे ही उखाड़ना था। और फिर अल्लाह ने सहाबा इकराम की तलवारें मुसल्लत की उनके ऊपर, जब उखाड़ दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, फिर मामला सीधे हो गए। उस जमाने में बादशाह का दीन रियाया का दीन होता था। अगर कोई रियाया कहे ना कि मैं बादशाह के दीन से अलग होता हूं, कत्ल हो जाता था। आप बताइए ईसाइयत कैसे फैली है? ये तो सारे बुतप्रस्त थे। कॉन्स्टेंटाइन टू, जिसके नाम पे कुस्तुनिया शहर था जो बाद में मुसलमानों ने फतह किया सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, टर्की वालों ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है, उर्दू डबिंग के साथ है, एक ही नशिस्त में आप देख सकते हैं 2.5-3 घंटे की। जो फिल्में देखते हैं उनके लिए, मौलवियों के लिए नहीं। तो उसने वो कुस्तुनिया फतह किया, फिर उसका नाम इस्तांबुल रख दिया। वो कॉन्स्टेंटाइन टू जो था वो क्रिश्चियन हो गया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन हुआ तो पूरी रियाया 3 बरियाजमों में फैली हुई वो क्रिश्चियन हो गई। ऐसे क्रिश्चियनिटी फैली है। तो रियाया को वही दीन रखना होता था जो हुक्मरान का। पहले हुक्मरान बुतप्रस्त था, ईसाइयों पे जुल्म होते थे। बाद में जब हुक्मरान ही मुसलमान हो गया, उस जमाने सारे ईसाई इस्लाम का ही नाम था, तो सारे पीछे इस इमाम के। ये बड़ा खतरनाक मामला था। दूसरी तरफ पर्शियन जो है वो आतिश प्रस्त है, उनके नीचे आदर प्रस्ती का दीन चल रहा था। तो ये फिर जरूरत थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता। इस्लाम ने तलवार के जोर पे इनको उखाड़ा, इनकी बदमाशियां खत्म की, और ऐसी खत्म हुई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अन करीब कैसर खत्म हो जाएगा, फिर क्यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। हाय 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 सर, ये प्रोफेसीज अल्लाह की ताईद के साथ ही कोई दे सकता है? अन करीब किसरा खत्म हो जाएगा, क्यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। देख ले 1500 साल हो गए हैं, ना रोमन अंपायर दोबारा बनी ना पर्शियन अंपायर दोबारा बनी। हत्ता कि अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मुल्कों वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और उस जमाने में ये बात करना एक ऐसे शख्स का जिसके ऊपर ईमान लाने वाले गिनती के लोग हों, बहुत बड़ी बात। और अल्लाह ने फिर उखड़वाया। और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा है कि आज तलावत हो रही होती है तो ट्रंप भी बैठ के सुन रहा होता है। क्यों? हालांकि वो क्रिश्चियन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। आप जाएं अमेरिका में, आप किसी मार्केट में मुसल्ला डाल के नमाज पढ़े, कोई आपको मना नहीं करेगा। उल्टा आपके साथ सेल्फियां बना रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो पहले कोई सोच सकता था कि फिरौन के सामने कोई नमाज पढ़ता? जादूगरों ने जरा सी बात की, ईमान लेके आए तो मैं तुम्हें सूली दे दूं। तो ये इस्लाम इस दौरे जदीद का खालिक है। और ये दौरे जदीद को तख्लीक जो इस्लाम ने दी है वो कुरान के जरिए। एक अलामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 90+ उनकी एज है, उन्होंने किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक, इसी टॉपिक को एड्रेस किया। कमाल की किताब है, और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप गूगल से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी सी किताब। इंग्लिश में भी एक किताब लिखी है, गॉड राइजेस, खुदा उभरता है। खुदा फिर जो उभर है ना जी कुरान के जरिए। खुदा को तो खैर मखलूक की जरूरत नहीं है, लेकिन मखलूकात ने जो तमाशा बनाया हुआ था ना, उस तमाशे को हमेशा के लिए अल्लाह तआला ने अपने पैगंबर इमाम आजम सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शिर्क का खात्मा करके क्यामत तक के लिए दीन एस्टेब्लिश किया इस किताब के जरिए। अब ये किताब क्यामत तक नबी इस्लाम का मौजजा है। ये किताब है सर जिसने दुनिया पलट दी, और ये वो किताब है जो हम सिर्फ अपनी बच्ची को जब रुखसत करने लगते हैं नीचे से गुजारते हैं, ठीक है, और चूम के गिलाफ में रख देते हैं। इससे ज्यादा इस कुरान को हम कोई अहमियत नहीं देते। ओ, ओ, ओ।
हालांकि ये कुरान इसलिए नाजिल ही नहीं हुआ, ये तो हमारी किताब जिंदगी है, लेकिन माशाल्लाह ऐसी साजिश इस्लाम के खिलाफ की है काफरों ने, नहीं मुसलमानों ने, पूरी नेकनीति के साथ जनाजा निकाला दीन का और एक स्लोगन दे दिया कुरान नहीं डायरेक्ट पढ़ना गुमराह हो जाओगे, कुरान में बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें हैं इसको हाथ नहीं लगाना, ये यहूदी बात करते तो हम कहते हैं ये अल्लाह के दुश्मन है, मुसलमान कह रहे हैं हम कह रहे हैं बिल्कुल सही, वो मेरा क्लिप आया ना पिछले, लेकिन और एक मौलवी ने कहा है तो वो इस्लाम 360 के ऊपर जो उसने हमला किया तो मेरा क्लिप भी उस पर रिकॉर्ड हुआ, तो पहले तो लोग कहते थे ये अभी बातें करता है, अब तो वीडियो में लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना आप गुमराह हो जाएंगे। अच्छा आज तक आपने कभी नहीं सुना ये क्योंकि फलां मौलवी की किताब डायरेक्ट नहीं पढ़नी आप गुमराह हो जाएंगे, यानी मौलवी किड्डा सियाणा है कि उसको तरीका पता है कि मैंने बात कैसे समझानी है और उसको ऐसी किताब लिखनी भी आती है जो गुमराह ना करे, और अल्लाह को ऐसी किताब नहीं देनी आई कि जो गुमराह होने से बचा ले, कुरान में कहा है कि गुमराह करता है, वो तो अल्लाह ने टांट किया कि जो कुरान पे ईमान नहीं लाते वो गुमराह होते हैं, जो ईमान ले आए और बात मान ले वो कैसे गुमराह होंगे, ये भी है तो तारीफ की है उन्होंने, तो इस किताब ने जनाब दुनिया की कायाकल्प की है और इसका टेस्ट आप तभी फील कर सकते हैं जब आप अरबी जानते हो थोड़ी बहुत, या फिर अगर आपने उर्दू में टेस्ट लेना है तो आप मौला मदूदी रहिमहुल्लाह का तर्जुमा पढ़ें, वो उसी सोजो गुदास को ट्रांसलेट करता है उर्दू के अंदर, मैंने अभी तक किसी और बंदे के तर्जमे को नहीं देखा कि जो तर्जमे तो बड़े लोगों ने किए हैं, मतलब बरेलवी साहब ने, श्री थानवी साहब ने, इन दोनों के तर्जमे तो वैसे ही वक्त के साथ खत्म हो गए इस लिहाज से कि उसमें तो कई अल्फाज जो है वो पुरानी उर्दू के, हमारे नए बच्चों को तो समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है, हमने कई संगतें हलाक कर दी, संगतें पता किसे कहते हैं नहीं पता, कई उम्मतें उन्होंने उम्मत का तर्जमा संगत किया उस जमाने में वो चलता था, आजकल अगर आप आला हजरत का ये तर्जमा रखे तो लोगों को नहीं समझ आए, लेकिन मदूदी साहब ने चूंकि लेटेस्ट उर्दू में तर्जमा किया और फिर वो सोजो गुदास ट्रांसफर किया, मेरा चैलेंज आप कोई कुरान की सूरत निकालें अपनी मर्जी की, बाकी सारों के तर्जमे रखे फिर मदूदी साहब का भी पढ़े तो आपको लगेगा कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया है अल्फाज के चुनाव, फिर उसमें जो रिदम है, और वो उन्होंने तफहीमुल कुरान के मुकदमे में लिखा है कि मैंने देखा है कि हमारा नौजवान कुरान तर्जमे से लेके बैठता भी है ना तो बोर हो जाता है, तो उनका मैंने समझा कि क्यों होता है बोर, क्योंकि वो तो पढ़ रहे थे उर्दू में, अल्लाह ने तो कुरान नाज़िल किया अरबी में, अरबी उसने सीखनी कोई नहीं है, और उर्दू ने जो तर्जमा किया हुआ है वो उन्होंने तर्जमा किया हुआ है एज ए स्टोरी बुक, ये तो किताब जिंदगी है, ये तो जिंदा किताब है, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी का सबब है, सही मुस्लिम हदीस है अल्लाह इस किताब की वजह से कौमों को अरूज देगा और इस किताब की वजह से लोगों को उम्मतों को जवाल देगा, जिसको डॉक्टर इकबाल ने फिर शेर में कहा वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम हार हुए तारे के कुरान होकर, वो जमाने में मुअज्जज़ कौन, सहाबा अहले बैत ताबईन तबा ताबईन, और तुम हार हुए कौन, असी, और सिर्फ असी नहीं साढ़े बुजुर्ग भी, ये ना समझिएगा जाहिर आप तो हम कह सकते हैं ना, डॉक्टर इकबाल के जमाने में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने बाबे जिंदा थे आज तो कह सकते हैं मर गए हैं, डॉक्टर इकबाल जब ये शेर कह रहा था तुम खार हुए तारे के कुरान होकर तो वो खार अहमद बेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब, ये सारे लोग जिंदा थे उस वक्त, उन्हीं को ही कह रहे थे ना, हत्ता के कुरान के तर्जमे को भी गुनाह समझा गया, ये तो बहुत बाद में तर्जमा हुआ है, पहला तर्जमा शाह वली अल्लाह दिल्ली ने किया, पहले तो लोग कहते हैं कुरान का तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लोग कहते हैं बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, हम पूछते हैं 1000 साल से बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं किसी एक बुजुर्ग का कुरान का बुखारी का तर्जमा मुझे दिखा दे कि जी ये सुल्तान बहू ने देखे नहीं कुरान का तर्जमा किया, ये जी दादा साहब ने बुखारी शरीफ का तर्जमा किया, क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों की जुबान अरबी थी फारसी थी ना, तो किसी बुजुर्ग को तौफीक नहीं हुई है कि कुरान का फारसी में तर्जमा कर दे, ये इतना बड़ा छक्का मैंने मारा है कि क्यामत तक ये रोएंगे, आंदा को क्या ना बुजुर्गों की खिदमत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं ना जी वो फरीदुद्दीन गंजे शकर की बड़ी तालीम, फरीदुद्दीन गंजे शकर साहब ने कौन सा कुरान का तर्जमा किया, अगर किसी ने कुरान का तर्जमा ही नहीं किया बुखारी मुस्लिम का तर्जमा ही नहीं किया वो क्या खिदमत करता रहे, वो अपनी तालीमत देते रहे, सही गलत इसका फैसला हम नहीं करते, वो तो फिर मैं और तरफ चल पड़ूंगा, सिर्फ जो खिदमत वाला ढोंग रचाया हुआ है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, जितनों के मजार बनाए हुए आपने
किसी एक का तर्जुमा दिखा दे कुरान का, तो ये फिर इन्होंने जानबूझ के सियासत की इस्लाम के नाम के ऊपर, अपनी बातें करवाते रहे। सर उनको पता था कुरान का तर्जुमा हो गया, सूरह ज़ुमर और सूरतुल अनाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबों को किसने पूछना है। सर बुखारी का अगर तर्जुमा हो गया तो सारों ने तो रफलीदैन से नमाज पढ़नी है, बाबे सारे बगैर रफलीदैन वाले ने। हकीकत बात है ये वजह थी कि बड़ी शियारी है उन्होंने। एना सब यू बोले संजय, बहुत होशियार संजय, और देख लेना फिर आप रिजल्ट सामने आ गया। जिधर तर्जमे हुए हैं वो कहने नहीं प्यो दादे ते ऐठे हाथ बंदा सी ऐठे बंदा है, तो रिजल्ट निकल आया ना। इसीलिए बुजुर्ग जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ उन्होंने बड़ी शियारी दिखाई है आपके साथ, लेकिन अल्लाह का वादा है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। कुर्बे क़यामत से पहले दीन को गलबा मिलना है, गलबा बाबों के जरिए नहीं मिलना था, इसी किताब से। जिस किताब ने पहले गलबा दिलाया, अब आज देखे बच्चा बच्चा एंड्रॉइड फोन खोले हुए है, कोई आयत आती है तर्जमा पढ़ लेता है। तो सर ये खिदमत तो फिर इन्होंने की है ना इस्लाम की। अच्छा ये एंड्रॉइड फोन किस रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था? वो कहते ना बुजुर्ग तो दुनिया कलप कर दे उसे निगाह मार के, वो बुजुर्ग नु ले आओ ते ठीपा मोबाइल नीचे चला सकते। आप मुझे बताएं मैं किसी बुजुर्ग को कब्र से निकालूं और उसको ये मोबाइल चला चला लेगा? आपका बच्चा चला लेता है। और किसी का अगर इतना ईमान है ना बुजुर्गों के ऊपर, तो आज वाले बुजुर्गों पे भी है। तो मैंने इनको बड़ी दफा मशवरा दिया है कि बुजुर्ग जो जनाब दुनिया चला रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूँ आपको बुजुर्गों के साथ जहाज पे बिठाते हैं, जब 10 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाता है ये बोइंग जहाज, जब पहुंचे तो हम पायलट को कहेंगे तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के थे पैराशूट ना कुछ जा, बुजुर्ग चलान थे जहाज लैंड करान, वो कितने लैंड होएगा जहाज? बुजुर्ग के मरीज भी उस जहाज नीचे बैठ लगे, जो थानू कहते बुजुर्ग दुनिया चला रहे हैं उनको भी पता है जहाज को नहीं लैंड होना, और जो जहाज नहीं लैंड करा सकता, मैं कह दूं किसी बुजुर्ग को आप ला के जहाज के कॉकपिट में बिठा देना वो नहीं लैंड करा सकता। हाँ लैंड कराएगा अगले जहाज जाके, वो भी वो नहीं कराएगा खुद ही होएगा। सब कहानी है, कहानियों का दौर खत्म हो चुका, क्योंकि अब एक नारा आम है कौन सा कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये इल्मी किताबी जब हम कहते हैं तो वो इल्म कौन सा इल्म होता है, वो किताब कौन सी किताब होती है? ये अल्लाह की किताब जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें मैंने इस पे भी तो भाई साहब आपने सुना कितना बेहतरीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बताया कुरान के बारे में। जो कुरान है उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, और आप इसे अगर पढ़ते हैं और आपने पढ़ा है तो आप हमें नीचे बताइए कि आपने कुरान अभी तक एक भी बार पढ़ी है पूरी या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हमें ये भी बताइए कि आपको और कौन सी रिएक्शन वीडियोस चाहिए, तो उन पर हम बनाएंगे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड में मैं एक बात और कहूँगा, हमारे मोहम्मद अली मिर्जा जी जो हैं, मैंने इनकी कई सारी अभी तक वीडियोस देखी हैं जब से मुझे इनके बारे में पता चला है। ये मैंने एक सी देखी है, इधर उधर की बात ना करके सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो बाकी में मुझे तो इनकी बातें सही लगती हैं। मैं आपको बताऊं अगर मुझे जानकारी होती इस अरबी वगैरह के बारे में, मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती, यहाँ तक कि उर्दू थोड़ी बहुत आती है, सीखी थी पहले कभी, तो मैं बाकी में इसको पढ़ता और समझने की कोशिश करता, लेकिन मैं हिंदी में देखूंगा, सर्च करूंगा अगर हिंदी में मुझे मिलता है, वैसे हिंदी में मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब कुछ मिलता है, तो मैं देखूंगा आखिर उसमें है क्या चीज़। ये एकदम सटीक बात बताते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी बातें सुनते रहिए और अपने अंतर मन में उतारते रहिए, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बने। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्ते।